ये लाइट ब्रीटा की फ्रंट लुक चेंज कर देगी। मैंने सोचा कि आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ मैं लाइट की, चेक करें जी। ओहो, अनबॉक्सिंग करते हैं। अब आपको इसके पॉइंट दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भैया, क्या हाल चाल है? सब भाइयों का ठीक ठाक और मज़े में? सब भाई तो सेंस आज के कुछ इस तरह के हैं कि आपको पता तो चल गया होगा थंबनेल से कि हम आज क्या करने जा रहे हैं। तो बस ये अचानक से मेरा प्लान बन गया है। आज मैं जा रहा हूँ ब्रीटा के साथ थोड़ा सा शशका करने के लिए। कल मैं वापस आया हूँ, कल या परसों आया हूँ गाँव से वापस। लेकिन अब मैं सोच रहा था रात को एक दो चीज़ें देखी हैं, तो सोच रहा हूँ ब्रीटा के लिए वो ले लूँ। काफ़ी अरसा हो गया ब्रीटा के लिए कुछ लिया नहीं है। अभी नंबर प्लेट देखें, नंबर प्लेट स्टैंड फिर टेढ़ा हो गया है। ये सारा अपनी जगह से, ये नंबर प्लेट स्टैंड जो है ना मेरी किस्मत में नहीं है। ये देखें फुल टेढ़ा हुआ पड़ा है। नंबर प्लेट देखें किस साइड पे जा रही है, उस साइड पे जा रही है बिल्कुल। देखता हूँ स्टैंड भी कोई अच्छी क्वालिटी का ले लेता हूँ फिर। मतलब हेडलाइन देखने के लिए जा रहा हूँ, एक न्यू डिज़ाइन की आई हुई है तो कन्फर्म नहीं हुआ, तो जाके मुझे पता चलेगा कि मैं लूँगा कि नहीं। क्योंकि असल में पिक्चर में और कोई चीज़ नज़र आती है, असल में कुछ और होती है। वहाँ पर मैं जाऊँगा, देखूँगा और सोचूँगा सूट करेगी कि नहीं करेगी ब्रीटा पे, तो फिर लूँगा इंशाल्लाह। जो प्लान हुए आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा। हुडी मैंने इस वजह से पहनी है क्योंकि दो दिन से बारिश है। पर हाल निकलते हैं, आपको फिर अपडेट देते हैं साथ साथ। एक दो फनकारियाँ हैं जो मैंने सोची हुई हैं ब्रीटा के मामले में, वो आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि क्या कुछ सीन इसका करना है। स्टाइल का रेट क्या है? 4000 के यूज में है, यूज़ है। इससे भी प्रोफाइल क्या है इसकी टायर की? इसकी मतलब प्रोफाइल क्या है? कंपनी कौन सी है? नहीं नहीं, नंबर कितना है इसका? ठीक हो गया। और रेट क्या? 4000 रुपये है। ठीक हो गया। ये अभी ब्लॉक के लिए मैं टायर देख रहा था, ठीक है ब्लॉक का, हो सकता है मैं बैक टायर चेंज कर दूँ, थोड़ा मोटा मोटी प्रोफाइल वाला इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। और जो इसकी फ्रंट लाइट है वो मैं ले चुका हूँ, अब यहाँ पे शोर बहुत है। बाकी आपको डिटेल्स में घर चल के बताता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। ये टायर है बहुत जालम टायर है, ये भी प्रोफाइल इसके भी मैं पता करता हूँ। क्या रेट है इसका भाई? भाई भी यार लग जाएगा इस साइज में, इस साइज में लगाना है वो, फिर आपको रिम चेंज करवाना पड़ेगा। वैसे रेट क्या है इसका? 4000 रुपये। 4000 का वीडियो बना लेते हैं, कोई मसला। छोटे भाई मिले हमें, ब्लॉग हमने स्टार्ट किया हुआ था। ये भाई साहब फैन है, वीडियो देखे और इनका मोटरसाइकिल हाल ही आप चेक करें। ये कितने सीसी है छोड़े? 50 सीसी। वाह यार, अभी आप ये काली टैंकी देखा? स्टोरी इस तरह की है कि आ गया हूँ एक जगह पे, मैंने सोचा कि आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ मैं लाइट की, ठीक है। उसके बाद मैंने नमाज भी पढ़ने जाना है, काफ़ी लेट हो गया, इफ्तारी का टाइम होने लगा है। और लाइट की डिटेल जहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो ये हमारी लाइट है, चेक करें जी हमारी लाइट की अनबॉक्सिंग। गिर ना जाए बाकी खैर है, ये चेक करें कितनी खूबसूरत तरीन हमारी लाइट है। उम्मीद है कि अच्छी होगी ये, जब इस तरह लगेगी ना इस पर तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्यारी लगेगी। मतलब कुछ लाइटें थी जो मिल रही थी, मतलब कि ये थोड़ी गोल टाइप की है ना, जिस तरह की इसकी ओरिजिनल आती है इसी टाइप की, समझ लें आप है।
लेकिन वो स्क्वायर होती हैं बिल्कुल सीधी, वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा ऐसी ऐसी में कोई ढूंढ रहा था कि ऐसी DRL लाइट मिल जाए। इसके खास तौर पे DRL बहुत ही ज़ालिम है, बहुत ही मैं कहता हूँ क्लास के DRL हैं ये। अभी मैं घर चल के आपको पूरी डिटेल्स बताता हूँ इसकी, क्या सीन है इस लाइट का क्या नहीं है। बैक से कुछ इस तरह की है, काफ़ी इसके पॉइंट हैं, मैं घर चल के आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। इसमें मेरे हाल में इंडिकेटर्स भी हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स मेरे हाल में चलते हैं। इसकी फ़िटिंग वगैरह जो है वो इंशाल्लाह देखते हैं, इसी ब्लॉग में करवा लें या नेक्स्ट ब्लॉग में करवा लें, यह अभी डिसाइड करना है। लोग इफ्तारी करने की तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ आपके लिए सिनेमैटिक्स बना रहा हूँ। सिनेमैटिक्स वैसे मैं सोच रहा हूँ आज ना बनाऊँ, इंस्टॉल करवाने के बाद मैं बनाऊँ प्यारे से सर्विस करवा के। आज रोज़े ने अपना आप दिखाया है क्योंकि मैं सुबह एक दो काम थे ज़रूरी, तो वो फिर बस उधर ही लगा रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ तो इस वजह से। लेकिन चलो कोई नहीं, जितना ज़्यादा रोज़ा महसूस हो उतना ही सवाब मिलता है। अब इंशाल्लाह चलते हैं घर, इफ्तारी करते हैं, नमाज शास पढ़ते हैं। आज एक नमाज ही मिस हो गई असर की। हमारी ब्यूटी जो ग्लोक की लाइट है ना, वो मतलब कि अगर तो 1-5G होता, अगर जी होता तो फिर मैं उसमें DRL लगवा सकता था इस टाइप की लाइट गोल तो, लेकिन उसकी लाइट किसी और टाइप की है। YBR से याद आया, YBR इतना महंगा हो गया, न्यू इसकी प्राइस इधर आ रही होगी, ठीक है चेक करें ये सब की प्राइजेस। 1,00,000 कह रहा हूँ, 3,74,000 या 77,000 तकरीबन मेरे ख्याल में इतनी कोई प्राइस होगी है YBR की जो मेरे वाला है। और 1-5G है जो मैट में, उसकी तकरीबन समझ लें 4,00,000 होगी है प्राइस। इतनी ज़्यादा हाई हो गई है प्राइस साइकिलों की। बस देखते हैं अल्लाह खैर करे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब निकलते हैं, भूख लगी हुई है बहुत, हैवी किस्म की प्यास भी लगी हुई है। बस घर चल के ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, घर चल के आपको इंशाल्लाह डिटेल्स बताते हैं बाकी। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि घर आ गया और अब मैं आपको लाइट का सीन चेक करवाता हूँ, अनबॉक्सिंग करते हैं उसकी, हाली आप उसकी शाइन चेक करना। वैसे मैंने आपको चेक करवाई है लेकिन आप इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। खास तौर पर इस लाइट में मुझे ये जो चीज़ है ना DRL, ये बहुत मुझे पसंद आई है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओह हो शाइन है, हाली आप चेक करें। अब असली मजा आया, ऊपर शीट लगी थी तो इतना माहौल। ये मैं देखता हूँ ना, अगर मुझे ऐसी अच्छी लगी, वैसे तो अच्छी लग रही है ऐसे ही, अगर ऐसे ही अच्छी लगी ना तो फिर मैं एज इट इज लगवा दूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं इसके ऊपर स्मोक पेपर लगवा के इसको थोड़ा माहौल बना देंगे। वैसे मुझे लग रही है कि ठीक लगेगी ऐसे ही। जब बचपन में कोई चीज आए ना बाहर से, तो हमारा काम होता था कि ये जो बबल रैप है ना, इसको इस तरह करना, दिल को बड़ी खुशी होती थी। इसमें ये जो पॉइंट हैं, ये 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट है मेरे ख्याल में, हाँ 6 पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा है कि ये जो लाइट है ये सारी ऑन हो जाती है, और एक पॉइंट ऐसा है कि ये जो DRL है खाली वाइट कलर के ऑन होते हैं, दरमियान से ये नहीं ऑन होते। और तीसरा पॉइंट, ये जो DRL है ये येलो कलर के ऑन होते हैं। और चौथा पॉइंट है, दरमियान में ये जो लाइटें हैं ये ऑन होती हैं सारी। और पांचवा, ये नीचे वाली ऑन होती हैं। और छठा, ये ऊपर वाली ऑन होती हैं। ये इसके पतन मेरे ख्याल में 6 पॉइंट है, हाँ 6 पॉइंट है। और ये सुबह इंशाल्लाह मैं लगवा के चेक करूँगा, अगर टाइम मिला तो इसको इंस्टॉल करवा लेंगे ब्रीटा में, इंशाल्लाह ज़ालम लुक आएगी। और बैक इसका मुझे लग रहा है कि प्लास्टिक है या मेटल है, प्लास्टिक है लेकिन सही प्रीमियम क्वालिटी है। मैं चेक करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, तो अगर अच्छी लगी तो मैं फिर आपको मशवरा दूंगा कि ये लगवानी चाहिए या नहीं। अगर प्राइस वगैरह पता करनी हो तो इंस्टा पे आ जाना, ठीक है मैं आपको प्राइस वगैरह बता दूंगा सब भाइयों को। इसके बाद बैक लाइट का जो बल्ब है वो एक बड़ा मुझे खूबसूरत लगा है बल्ब, वो भी देखता हूँ, हो सकता है अब नेक्स्ट प्लान मेरा वही बने
कि बैक लाइट का मैं बल्ब चेंज करवा दूँ, बड़ी खूबसूरत उसमें लाइट आती है। और उसके अलावा एक बैक लाइट भी मुझे पसंद आ गई है, काफ़ी भाइयों को ये जो मैंने अभी बैक लाइट लगाई हुई है ये पसंद आई थी, काफ़ी ट्रेंडिंग पे गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बैक लाइट है वो लाएंगे। द नेक्स्ट डे अगला दिन हमारा स्टार्ट है, और अगला दिन हमारा स्टार्ट हो रहा है रात के तकरीबन 8 बजे। सहरी वगैरह इफ्तारी वगैरह की है, ठीक है। और आज सुबह का मैं लगा तो काम दोनों में मसरूफ था थोड़ा, अभी मैं आया हूँ, मुझे टाइम मिला, मैंने कहा अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो लाइट है वो अभी फिट नहीं करवाई, सोच रहा हूँ कि अभी जाकर फिट करवा लूँ, अगर शॉप खुली हुई तो मैं उसी वक्त तस्ती फिट करवा देता हूँ। कल सर्विस करवा के तो फिर वीडियोस बनाएंगे, हो सकता है मैं अभी व्लॉग एंड कर दूँ, आपको दिखा ना सकूँ इसी व्लॉग में लाइट की फिटिंग वगैरह और किस तरह लगती है, क्योंकि अब व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि 7 से 8 मिनट का व्लॉग बन जाए। ब्रीटा मेरा फुल टाइम रेडी है और ब्लॉग पे वापस आएंगे जल्द, बस अभी ब्रीटा की थोड़ी सी मेंटेन कर लेना, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया इसकी वीडियोस नहीं आ रही थी। ये जो पेपर है ये नहीं लगवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिज़ाइंड है, क्या उसे कहते हैं, फ्रंट लाइट, तो ये फिर पेपर लगाने का फ़ायदा नहीं है। फिलहाल देखता हूँ अभी जाके, अच्छे की रिपोर्ट है इंशाल्लाह। चलो जी ब्रीटा जी आ गए, ब्रीटा जी आ गए हैं जी शॉप पे। आरी साहब दी ग्रेट खोल रहे हैं, राइट लाइट शेड चेक करें, कनेक्शन आ जाएगा समझ। अरे अगर फर्ज कर तारें अगर हम गला लगा दें तो वायरिंग सड़ जाती है, कुछ भी नहीं चलता, कुछ जैन है ना, कड़ा इस तरीके से खोल लेना कि लेदर ना उतरे हैं, एहतियात से चेक करें जी, कड़ा शड़ा खुल गया, अब इसके अंदर फिट करते हैं ये वाली लाइट। आरिस ये चीज़ नीचे है, ये कड़ा इधर ना नीचे आता है, 3 लाइटें नीचे होंगी तकीर भाई, ये कड़ा इस तरह लगा, इस तरह ये नीचे वाले साइड पे आएगा, ऊपर ला सो हैं, 3 लाइटें थल्ले है सुनना, तीन लाइटा जी थल्ले सन, फिर एक जरा ना थले थले साइड सा जितू उखड़िया सा 77,000 जरा दुआ क्या आने उसकी अपने इसमें डालनी है दोनों तारे आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, एक दूसरे के साथ गले मिल रही थी गले मिल रही थी तार का पीस ही छूटा। अभी लाइट चेक करवाते हैं आपको ऑन करके किस तरह की है। ये जनाब आपका DRL है, DRL एक मतलब पार्किंग, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है पर राइट टर्न क्यों नहीं हो रहा है, और मार से कह जो तू जो पॉइंट लगसीस ना मोटरसाइकिल है ना, हां हां इसके DRL के टॉप पॉइंट है, ओके हां जी ये लो चल रहा क्या है, ये मर्सिडीज़ का लो, ये फिटिंग हो रही है इसकी, जो न्यू लाइट लाया हूँ कड़ा जो है वो जेन्युइन है, फिटिंग वगैरह हो रही है अब इसकी, लेकिन अभी मज़ीद आगे मुझे व्लॉग एंड करना पड़ेगा, आपको दिखाते हैं, आप व्लॉग एंड करते हैं, अपना नया व्लॉग आगे स्टार्ट करते हैं, व्लॉग को करते हैं जी यहाँ पे एंड, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अब इंशाल्लाह फिटिंग वगैरह करवा लें, नेक्स्ट व्लॉग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।